लंबे समय से संतुलित और संयमित भाषा का प्रयोग करने वाले तेजस्वी यादव अचानक से फिर एक बार चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि राजद विधानमंडल दल की बैठक थी और बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी भी मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने जो बातें कहीं वो बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए परेशानी भरा है। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनावी जो रण चल रहा था वो समाप्त हो चुका है, मतदान समाप्त हो चुके हैं। अब 10 तारीख का सबको इंतजार है, लेकिन उसके बाद जो चर्चाएं बिहार में चल रही थी कि क्या होगा इन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद, बिहार की स्थिति क्या होगी, बिहार में क्या समीकरण बदलेंगे, इन सारी बातों को लेकर के, और साथ ही 24 सीटों के जो MLC के चुनाव हैं स्थानीय निकाय कोटे के द्वारा, उसको लेकर के भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि इसी बीच में राजद विधानमंडल दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ देने और जिताने की अपील की। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो भी उम्मीदवार हमारे राजद के तरफ से हैं उन पर विशेष ध्यान देना होगा और आम जनता को और उसके साथ साथ जो लोग वोटर हैं उन्हें राजद को वोट करके दिखाना होगा कि बिहार बदलाव चाहता है। बैठक विधायक सुरेंद्र यादव के आवास पर हो रही थी और राजद के सभी विधायकों एवं विधान परिषद के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के साथ साथ जगदानंद सिंह और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि अनुशासन को लेकर के भी पूरी तरह से बात की गई और जगदानंद सिंह ने इस पर पूरी तरह से कहा कि चुनाव जो होने वाले हैं इस चुनाव में एकजुटता बनाए रखना है और पार्टी लाइन से अलग चलने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आलोक मेहता, सुनील कुमार सिंह, श्याम रजक, ललित यादव, भाई वीरेंद्र सहित लगभग कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और इसके साथ ही पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है राजद के लोगों को कि वो हर तरह से अपने उम्मीदवारों के जीत का पक्का करें और लोगों से मिल करके इस चुनाव को विशेष बनाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि विधान परिषद में यदि जो स्थितियां हैं उसमें अगर नीतीश कुमार को पछाड़ देते हैं तो एक बड़ा संदेश जाएगा और ये संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को परेशान करने वाला होगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव सदन में जिस तरह की बातें कर रहे हैं और सदन में जिस तरह की बातें चल रही हैं उसको देखते हुए ये लग रहा है कि 10 तारीख के बाद चुनावी परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये जो नया रूप है वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खटकने लगा है। आपको बता दें कि सदन में भी तेजस्वी यादव आंकड़ों के हिसाब से और जिस तरह से वो सरकार पर हमला कर रहे हैं, मंत्रियों के विभागों का बखिया उधेड़ रहे हैं, वो देख करके लगता है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार हैं और इधर जो सरकार में बैठी NDA है उसमें एकजुटता की कमी महसूस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अलग अलग एजेंडे पर देखे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आह्वान करके कि अधिकृत राजद प्रत्याशियों को ही वोट दें जो भी वोटर हैं, इसको लेकर के भी अब सरगर्मी बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी खास करके चूँकि उसे अधिक सीटें मिली हैं इस बार विधान परिषद के इस समझौते में जो स्थानीय निकाय से होने हैं, इसको लेकर के अभी तक घोषणा तो नहीं हुई है कि उम्मीदवारों की, लेकिन राजद ने लगभग अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उसके बाद से तैयारियां भी जबरदस्त ढंग से शुरू हो चुकी हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।